Welcome the Dean of All India Institute of Medical Sciences, Dr. Balram, and all my dear colleagues, my resident colleagues, and all our dear friends who come to hear this public lecture. आंखें हैं तो जहान है. हम सब आज वर्ल्ड साइट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. दुनिया का प्रत्येक इंसान ये चाहता है कि उसकी दृष्टि ठीक रहे. हम सब यहाँ साथ आए हैं तो ये जानने के लिए कि आंखों की स्वस्थ कैसे रखा जाए, इसकी देखभाल कैसे करी जाए. इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे और हमारे अंदर हमारे साथ प्रोफेसर बलराम हैं, जो हमारे मेन डीन हैं एम्स के, जिसको मैं आमंत्रित करूंगा इस स्टेज पे. सर आप आइए. प्रोफेसर जे एस टिटियाल, जो कॉर्निया और कैटरेक्ट के विशेषज्ञ हैं माननीय, उनको हम वेलकम करेंगे. प्रोफेसर प्रदीप शर्मा, जो स्क्विंट स्पेशलिस्ट हैं, स्क्विंट विशेषज्ञ हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं कि वो भी आते स्टेज पे अपनी जगह लें. प्रोफेसर रमनजीत सिहोटा, जो ग्लोकोमा की हेड है आरपी सेंटर में, उनको भी हम वेलकम करते हैं. वो भी आकर आपको प्रश्न के कुछ जवाब देंगी. प्रोफेसर राधिका टंडन, जो कॉर्निया और कैटरेक्ट की भी विशेषज्ञ है, उनको मैं वेलकम करता हूँ कि अपनी जगह लें आकर स्टेज पर. प्रोफेसर प्रवीण विशेष, जो कम्युनिटी ऑफ्थेमोलॉजी के इंचार्ज हैं आरपी सेंटर में, उनको भी वेलकम करता हूँ कि ऊपर आकर अपनी जगह लें और कुछ हाईलाइट करें अब स्टैटिस्टिक्स ऑफ आरपी सेंटर है अदर इश्यूज. नॉवल रिक्वेस्ट प्रोफेसर बलराम, हु इज द डीन ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, टू से अ फ्यू वर्ड्स सर ऑन दिस मोमेंटस ओकेजन. नमस्कार, गुड आफ्टरनून. जैसा कि डॉक्टर अतुल कुमार ने बताया, आँखों के बगैर कुछ नहीं दिखता, आप कुछ भी लाइफ में एंजॉय नहीं कर सकते. तो आँखों एक ऐसी चीज़ है जो सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जैसा कि हम मेडिकल साइंस में कहते हैं, हम क्यों चाहें कि हमारे को कोई बीमारी हो, हम तो चाहें कि बीमारी हमारे को कभी ना हो, कभी डॉक्टर की ज़रूरत ही ना पड़े. और वही हम चाहते हैं कि जो इतने हम पब्लिक लेक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं, उनमें सभी में सभी को यही बताना चाहते हैं कि हर एक बीमारी को कैसे जो है नहीं आने दिया जाए, कैसे जो है सावधानी बरतने के बाद बीमारी को दूर रखा जाए. और आँखों को अगर आप देखो तो आँख आप कहने को एक बहुत छोटा ऑर्गन है बॉडी का, पर इसके डिफरेंट डिफरेंट हिस्से हैं और हर एक का जो है अपना अपना महत्व है. और हर एक हिस्से को अलग अलग बीमारियां जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं. और यही आपको इस पब्लिक लेक्चर में बताया जाएगा. जैसे डॉक्टर अतुल कुमार ने बताया, आपके साथ हमारे साथ यहाँ पे सभी स्पेशलिस्ट हैं, जो अलग अलग जो भाग हैं आँख के उसके स्पेशलिस्ट हैं. और उनमें कैसे बीमारियाँ हो सकती है, कैसे उसकी रोकथाम कर सकते हैं, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा. तो ये एक फ्री फॉरम है जिसमें आप अपनी कोई भी शंका है उसका समाधान कर सकते हैं. आप स्वतंत्र हैं कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं. एंड वी वांट योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, आई विल रिक्वेस्ट द नेक्स्ट पर्सन टू काइंडली टेक ओवर. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स. एंड इंडीड, एज यू सेड, आईज आर सच थिंग्स जिसको हमें बचा के रखना चाहिए. और आँखें ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम देखते हैं, और यदि दूसरी नज़रिए से देखा जाए तो आँखें के थ्रू हम पूरे शरीर को देख सकते हैं. उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है रेटिना, जिसे हम दृष्टि पटल कहते हैं. रेटिना को देखने से बड़े सारे बीमारियों की पता चल जाती है शरीर में क्या हो रहा है. आज हमारे साथ प्रोफेसर अतुल कुमार हैं, जो आज एक्टिंग चीफ है डॉक्टर आरपी सेंटर फॉर ऑप्थल्मिक साइंसेज एम्स के, और जो इस देश के ही नहीं पूरे विश्व के प्रख्यात रेटिना विशेषज्ञ हैं, जो डायबिटीज से रिलेटेड बीमारियां और रेटिना से रिलेटेड बीमारियों के बारे में आपको जानकारी देंगे. और बाद में आप सभी जो है इस विषय में प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका हम जो है समाधान करने की कोशिश करेंगे. प्रोफेसर अतुल कुमार, प्लीज़.
So going across first to these lectures, हम बताएंगे managing diabetic retinal blindness, मतलब diabetes का कैसा असर पड़ता है पर्दे पर. W is state of complete physical, mental and social well-being. So I just want to highlight this definition before I start my lecture. स्वस्थ रहने का मतलब केवल बीमारी नहीं हो ऐसा नहीं है. सही खाना, शरीर मजबूत रहना, भावना अच्छी रखना, मन शांत रहना और इसकी रोकथाम करना सभी इसके हिस्से हैं. Now the lecture. The diabetes related eye affection is called diabetic retinopathy. The diabetes can affect numerous organs of the body, which one of them is the eye, and the retina is a major organ affected, causing irreversible blindness. Eyes के पीछे वर्ग को retina कहा जाता है. Clear vision के लिए retina को healthy होना essential है या जरूरी. Diabetes बड़ी बुरी तरह retina को affect कर सकती है अगर इसका check और treatment ना करी जाए time से. Diabetes से प्रभावित retina को हम diabetic retinopathy बोलते हैं, जिसको फिर subsequently उसका इलाज करते हैं. इसके figures बहुत देखकर चौंका देने वाले हैं. diabetic retinopathy विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में अंधेपन का एक बहुत बड़ा कारण है. एक बहुत मेजर स्टडी हुई थी अमेरिका से, जिसका नाम था ETDRS 1991. WHO के अनुसार 1995 में 135 मिलियन लोगों को डायबिटीज थी. 2025 से बढ़कर 300 मिलियन हो जाएगी. इंडिया में 1995 में इनकी गिनती सबसे अधिक बढ़ेगी, जो 2025 में 200% बढ़ेगी और 18 मिलियन से 80 मिलियन तक चली जाएगी, और कुछ फिगर्स इससे ज़्यादा ही बोलते हैं. तो इंडिया को ट्रूली द वर्ल्ड्स डायबिटिक कैपिटल बोला जाता है. इसके लक्षण क्या हैं? सामान्य दृष्टि आपके लेफ्ट साइड के पिक्चर में है और राइट साइड पे कुछ ऐसे काले धब्बे दिख रहे हैं या आपको स्पॉट्स दिखेंगे, जो क्योंकि यह ब्लड में कुछ हेमरेज, पर्दे में कुछ हेमरेज हुई है पर्दे के सामने, तो उसके वजह से आपको कुछ धब्बे दिखने लगते हैं. ये उस स्टेज की बात है जब पर्दे से कुछ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है डायबिटीज़ में. डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के रिस्क फैक्टर्स हमें आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर उसका हम रोकथाम कर सकते हैं. डायबिटीज़ का ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या उसका समय. उसकी कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसमें कंट्रोल में ना तो नॉट ओनली डायबिटीज़ बट इवन ब्लड प्रेशर, और हम अपने लिपिड्स चेक करवा के लिपिड्स कंट्रोल भी करें. प्रेगनेंसी या गर्भ ठहराने में भी डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ती है. एंड ब्लड प्रेशर का मैंने आपको बोला ही, ब्लड प्रेशर की वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ती है. तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करना ज़रूरी है कि ना सिर्फ डायबिटीज़ कंट्रोल कर लें. किडनी या गुर्दे के रोग से भी डायबिटिक रेटिनोपैथी पर बुरा असर पड़ता है. मोटापा और लिपिड हाइपरलिपिडीमिया जिसको हम बोलते हैं, उससे डायबिटिक रेटिनोपैथी पर बहुत खराब असर पड़ता है, हानिकारक. स्मोकिंग से भी, सिगरेट पीने से भी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा असर पड़ता है डायबिटिक रेटिनोपैथी पर. एक स्वस्थ रेटना आपके लेफ्ट साइड की पिक्चर, आपके राइट साइड की पिक्चर है, और लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ आपको दिखेंगे कुछ लीकेज जो पीले रंग के हैं, और ये खून के धब्बे जो शुरू हो गए हैं. इस स्टेज पर जब लीकेज सेंटर में आने लगती है तो यहाँ नज़र आपकी धुंधली होने लगती है, बिकॉज ये एरिया है ऑफ मैक्सिमम विजन. सो ये हम उसको बोलते हैं स्टेज जिसमें खून नहीं आता पर्दे में, पर इसको हम बोलते हैं कि ये असर ऐसा है जिससे नज़र गिरने लगती है और इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है. और नीचे की तरफ ऐसे मरीज़ दिखते हैं हमें कई, जो ब्लड ब्लीडिंग हो चुकी होती है, और ऐसे मरीज़ को लेज़र वगैरह भी कम ही हेल्प करता है, और इनका ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, पर वो नज़र नहीं आती जो पहले थी. ऊपर वाली पिक्चर में भी ज़्यादातर वो नज़र नहीं आ पाती, 6x6 जिसको बोलते हैं शार्प विजन फॉर नियर एंड डिस्टेंस, वो नहीं मिल पाती. टाइट कंट्रोल अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई. कंट्रोल हम कैसे ट्रीट करेंगे, उसके बाद उसकी प्रिवेंशन. सबसे पहले तो शुगर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है. उसमें HB ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, ना तो शुगर फास्टिंग PP जो हर दिन घट या बढ़ सकता है. तो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल्स बहुत ज़रूरी है टेस्ट कराने, और इसकी लेवल रखनी चाहिए 6.5 से 7. 7 के आसपास अगर आप रखें ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन तो उसके पर्दे पर असर बहुत ठीक रहते हैं. 1% राइज, दैट मीन्स 7 से 8 हो जाए अगर ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, तो रेटिनोपैथी का इंसिडेंस नियरली 35% बढ़ जाता है. मैंने अभी आपको मेंशन करा था कि ब्लड प्रेशर का खराब असर पड़ता है डायबिटिक रेटिनोपैथी रोग पे, और 1 मिलीमीटर राइज ऑफ ब्लड प्रेशर से डायबिटिक रेटिनोपैथी भी उतना ही 1.1% बढ़ती है.
रेटोपैथी का रोग स्मोकिंग के साथ भी जुड़ा है। एक दिन में 20 सिगरेट पीने वाले के लिए इसके आगे बढ़ने का रेट 300% हो जाता है। वेल नोन फैक्ट है। जेनेटिक लिंकेज भी है कि जीन्स आपके आपके माँ बाप, दादा दादी या नाना नानी को अगर रेटोपैथी हो, डायबिटीज हो, तो उनका भी जीन जेनेटिक इफेक्ट उनके बच्चों पर पड़ता है। और 25% रेटोपैथी जो देखी गई है वो इट इज़ बिकॉज ऑफ द जेनेटिक लिंकेज। हेंस जिनकी फैमिलीज में डायबिटीज रन करें उनको ज़्यादा ज़रूरी है अपने डायबिटीज चेक रखें और अपना पर्दे का जाँच ज़रूर कराएँ। नज़र को नुकसान पहुँचाने वाली रेटोपैथी में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं कि मतलब आपको पर्दे पे इतने बुरे असर पड़ सकते हैं और आपको कोई सिम्टम्स भी ना हो, ये भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे इंडिया गेट की पिक्चर में आपको काले धब्बे दिखे वो हो, क्योंकि इसलिए शुगर के मरीज को हमेशा अपना आँख की चेकअप ज़रूर करानी चाहिए। वो हम बोलते हैं कि रेटना का चेकअप इम्पॉर्टेंट है। सो इफ़ अ पर्सन हैज़ डायबिटीज़, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि क्या क्या वो चेक कराए। वो अपने आईज़ को स्क्रीनिंग कराए रेटना स्पेशलिस्ट से एटलीस्ट एक बार साल में अगर उसको डायबिटीज़ है। और वो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट आपके प्यूपल्स या पुतली को ज़रूर हिलाकर देखे और स्पेशल लाइट से, जिससे वो पर्दा देख सके। हम एक टेस्ट और करते हैं जैसे हम कर रहे हैं आरपी सेंटर में, जिसको बोलते हैं फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी, जिसमें हम कुछ डाई डालते हैं आपकी वेन में, आन की हाथ की वेन में, और उसे हम फोटोग्राफ लेते हैं और उसे हमें लीकेज के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ब्लड सप्लाई, पर्दे की ब्लड सप्लाई के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें और किसी मशीन से नहीं मिल सकती। ये फिर हम दूसरा इलाज शुरू करते हैं ये कंट्रोल के बाद और वो टेस्ट के बाद। ये लेज़र का इलाज है जैसे हम करते हैं अपने हॉस्पिटल में, आरपी सेंटर एम्स में। और ये पर्दे में जिसको शुगर का असर हो वो हम लेज़र करते हैं, जिसमें मल्टीपल स्पॉट्स हम एक बारी में डिलीवर कर सकते हैं, जिससे ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत रिड्यूस कर देते हैं हम और इसका असर बहुत अच्छा पड़ता है। लेज़र और शुगर कंट्रोल के साथ साथ हम कुछ ये इंजेक्शन भी देते हैं जिसमें लीकेज ज़्यादा हो जिसके पर्दे में, उसके बोलते हैं हम एंटी वेजर्स इंजेक्शन या स्टीरॉयड्स। ये आँखों के अंदर दिए जाते हैं इंजेक्शन और हम बहुत स्टराइल प्रिकॉशंस लेकर ये देते हैं अपने ऑपरेशन थिएटर में। मल्टीपल इंजेक्शन या सिंगल इंजेक्शन से इससे बहुत फ़ायदा होता है। इसको हम यूजुअली इन इंजेक्शन को हम लेज़र के साथ कंबाइन करते हैं, जो आपने पिछली तस्वीर में देखा था। ये एक तस्वीर है जिसमें OCT जैसा एक टेस्ट करा जाता है। हमारे यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट गिना जाता है फ्लोरोसिन के साथ साथ। हम हर एक मरीज में ज़रूर करेंगे अगर पर्दे में असर है। और ये बड़ा सिंपल टेस्ट है जिसमें हम वी डू इट विदाउट चार्ज एंड ये बिल्कुल पेनलेस टेस्ट है। इसमें ना कोई इंजेक्शन देते हैं। इसको स्क्रीन करने के लिए जैसे पर्दे में पानी कलेक्शन हुई है, ये पानी के कलेक्शन की वजह से नज़र गिरती है सेंटर की, जिसको हम बोलते हैं फोविया सेंटर ऑफ द मैकुला। तो जब हम इंजेक्शन देते हैं एंटी वेजर्स का, एक महीने के बाद ये पानी जो कलेक्शन था ये हट जाता है। अगर पर्दा ज़्यादा ख़राब है, जैसे आपने उस पिक्चर में देखा था कि खून जमा हो गया, तो हमारे पास लेटेस्ट औजार हैं जिससे हम ये मशीन से जाकर अंदर फाइन 0.5 mm ओपनिंग से ये हम खून को जो जम गया है खून, और जिससे पर्दा भी हिल जाता कई बार, इस पर्दे को वो सामने जो खून जमा है उसको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से, जिसको एक तरह से बोलते हैं हम लैप्रोस्कोपिक आई सर्जरी, कर ये सारा साफ कर देते हैं। ये धीरे धीरे हम खून को रिमूव कर रहे हैं बड़ी हाई स्पीड कटिंग से, जिससे पर्दे पे कोई असर ना पड़े पर ये जो खून जमा है ये साफ हो जाए। उसके बाद ये खून जब साफ हो जाता है और पर्दे की सेंटर की एरिया को क्लीन कर देते हैं हम, फिर हम ये एयर डाल देते हैं और बाद में फिर कुछ गैस और लेज़र भी कर देते हैं टेबल पर, जिससे फिर से ब्लीडिंग ना हो और नज़र ना गिरे। तो ये रिजल्ट्स इसके काफ़ी अच्छे हैं यहाँ, और हमारे पास अच्छे गैजेट्स हैं यहाँ। यही मरीज़ जिसका ऑपरेशन किया है, आप देखेंगे फर्स्ट डे पे ये ऑयल फिल करा हुआ है, उसका पर्दा नस दिख रही है और ये लेज़र मार्क्स हैं और रेटना दिख रहा है, ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स है। और सेवन्थ डे पे उसका विजन भी इम्प्रूव हो गया, जो ब्लड था यहाँ पे जमा हुआ वो हट गया और ये लेज़र के वो ऑयल का रिफ्लेक्ट आ रहा है और उसका विजन भी इम्प्रूव हुआ है। डायबिटिक रेटोपैथी का बचाव बहुत ज़रूरी है। मधुमेह का इलाज सही तरह से होना चाहिए। खून में शुगर की मात्रा सही रखें, इसके लिए दवा के साथ साथ संयमित आहार अथवा नियमित व्यायाम आवश्यक है। तो ऑल दिस हैज़ टू गो टुगेदर, नॉट ओनली द ट्रीटमेंट। सो वी हैव टू कंट्रोल स्ट्रेस, एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ आवर डाइट। योगा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट
part in the holistic management of diabetes. We should not only talk about the allopathic part. So I will have included this slide that we should practice certain yoga asanas which are known to our country and which have originated from this wonderful country. Breathing exercises also there called pranayama, which also help to control your stress, keep the blood pressure down and also the blood sugar. I was reading the other day about bitter gourd or karela. Karela contains a plant insulin which helps reduce sugar, and insulin, it contains a plant insulin. So people say that in India has lots of herbs and original treatment protocols which help to reduce the sugar and keep you healthy. So diet management, meditation, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेस देते हैं, ये ज़रूरी है और इसके बारे में बहुत लिटरेचर है, आप देख सकते हैं कि योगा हेल्प्स टू मैनेज डायबिटीज़। सो आखिर में ख़त्म करने से पहले मैं ये बोलूँगा, 30 साल की उम्र पे अगर डायबिटीज़ हो तो विद इन 5 ईयर्स आप ज़रूर पर्दा चेक कराइए ईयरली, और 30 साल से ज़्यादा डायबिटीज़ बाद आपको डायबिटीज़ हो तो इमीजिएटली आफ्टर डायग्नोसिस ज़रूर पर्दा चेक कराइए, बिकॉज ज़रूर पर्दे में का असर, पर्दे पर असर होगा। प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ बढ़ती है, इसलिए फर्स्ट 3 मंथ्स में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़रूरी चेक है। इन केस आपके गुर्दे डैमेज हैं डायबिटीज़ है, या पर फुट भी डैमेज या फुट में इन्फेक्शन है या एम्पुटेशन हुई है, तो रेटना पे बहुत बुरा असर पड़ता है, उसको ज़रूरी है चेक कराना। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। पहले तो हम सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देहती विज्ञान केंद्र के और एम्स के, आप सभी लोगों का अभिवादन करते हैं। जैसा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हर उम्र के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ स्कूल के बच्चे भी बैठे हुए हैं और हम उम्र लोग भी बैठे हुए हैं, जो सब के सब यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं सुनने के लिए कि आपकी बीमारियाँ क्या होती है, उससे क्या क्या नुकसान होता है शरीर में। जैसे अभी आपने पर्दे के बारे में सुना, जो पीछे का पर्दा होता है, वैसे आँख में आगे का पर्दा भी होता है जिसे हम काली पुतली बोलते हैं। एक्चुअली काली नहीं होती है, बिल्कुल ही सफ़ेद और क्लियर ट्रांसपेरेंट पुतली होती है, जिसके थ्रू लाइट अंदर जाती है और आप देख सकते हैं। यदि इसमें इसमें जो है सफेदी आ जाए, या इसमें ओपेसिटी जिसे हम बोलते हैं, या इसमें स्कार हो जाए, तो सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। तो इसी को हम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कहते हैं। यदि आप इस चित्र को देखेंगे, ये पहला चित्र है जो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जो सी लिखा है, कॉर्निया है या आगे की पुतली है, तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, इसके थ्रू लाइट अंदर जाती है पुतली के थ्रू और रेटिना में जा करके फिर आपको दिखने लगता है। तो एक तरह से देखा जाए तो आगे की पुतली खराब हो जाए तो फिर पीछे का पुतली अच्छा हो तो क्या फर्क पड़ना है, आपको दिखना कुछ नहीं है। इसलिए आगे की पुतली को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें बड़े सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें सफ़ेदी आ जाना जो बीमारी के कारण हो सकती है, या आदमी जन्म से ऐसे पैदा हो कि उसकी पुतली खराब हो जाए, या फिर चोट लग जाए, इन्फेक्शन हो जाए, ऑपरेशन के बाद पुतली खराब हो सकती है। तो इन सब कारणों से जो है पुतली जो है बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है इस तरह से, और आपको दिखना बंद हो जाता है। इसे हम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कहते हैं। आप देखेंगे पूरे दुनिया भर में आपको ये बीमारियां तो है ही, उससे अंधता भी होती है, कुछ लोग जो है उनकी नज़र इतनी कम हो जाती है, उनको लोगों का सहारा लेना पड़ता है, जिसे हम लो विजन कहते हैं। आप देखेंगे कम से कम जो है 50 मिलियन, 5 करोड़ लोग जो है अंधता की बीमारी से पूरी दुनिया में सफ़र करते हैं या उससे जो है उसके द्वारा पीड़ित है। उसी तरह से भारत देश में देखा जाए तो करीब करीब जो है 15 मिलियन लोग जो है ब्लाइंड है अन्य अन्य कारणों के कारण, जैसे रेटना की बीमारी है, काला मोतिया की बीमारी है, या टेढ़ेपन की बीमारी है, चोट लगने से है, पुतली की बीमारी है, या फिर कैटरेक्ट है, इन सब के कारण से लोग जो है पीड़ित है। उसमें से करीब करीब 6.8 मिलियन लोग जो है कॉर्निया की बीमारी से पीड़ित हैं। उसमें जो है आप देखेंगे हमारे देश में करीब करीब जो है 5.5 से 6 लाख लोग जो है उनको जो है पुतली का प्रत्यारोपण करेंगे या कॉर्नियल ग्राफ्टिंग करेंगे तो उससे उनको जो है फ़ायदा हो सकता है। ये लोग हैं जिनकी एक आँख में जो है पुतली की बीमारी है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दोनों आँख खराब हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या करीब करीब 1 से लेकर 2 लाख या दो से साढ़े दो लाख लोग ऐसे लोग हैं जिनमें हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो उनको नज़र आ सकती है। तो ये जो है काफ़ी बड़ी संख्या है हमारे देश में। उसी रूप से आप देखेंगे कि जब पूरे भारत देश को लेते हैं, ऐसे नहीं है कि एक सिटी में ही ऐसी बीमारियां हैं, भारत देश के कोने कोने में ऐसी बीमारियाँ हैं, एक गाँव से लेकर के जो है शहर तक, और ये बीमारी बढ़ती जा रही है। हर साल करीब करीब 20,000 लोग आँखों की आगे की पुतली की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं,
जो उसके ऊपर पहले से इतने लोग जो है बीमार हैं, उनकी इतनी बैकलॉग है जिनकी हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, उसके ऊपर 20,000 लोग ऐड हो जाते हैं। आप देखेंगे करीब करीब 2020 तक जो है ये संख्या दुगनी हो जाएगी, बीमारियों की भी, उन लोगों की भी जिनकी जो है जिनकी हम जो है सहायता कर सकते हैं पुतली का प्रत्यारोपण करके। तो ये जो है बहुत बड़ी समस्या जो आने वाली है फ्यूचर में। आप ये देखेंगे 2012 में, ये जो लाल अक्षर से लिखा गया है, 2012 में करीब करीब पूरे देश में केवल 0.5% लोगों ने पुतली का दान किया है। इससे जो है हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमें करीब करीब 1,00,000 सर्जरी या 1,00,000 करेक्टोप्लास्टी या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है पूरे देश में अभी इस करंट पोजीशन में है, जो कि बढ़ जानी है आने वाले समय में। तो हम ये देख रहे हैं कि आप देखोगे बड़े बड़े लोग अखबारों में छप जाते हैं कि पुतली का जो है वेस्ट हो रहा है, ऐसा होता नहीं है। जब भी कोई आदमी हम पुतली कलेक्ट करता है आई बैंक में, तो 100% पुतलियाँ जो है दूसरे आदमी के आँख में नहीं लगा सकते हैं। उसमें बड़े सारे कारण होते हैं जिससे कि पुतली जो दूसरे आदमी में नहीं लगा सकते हैं। उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे आपको पता ही होगा एड्स की बीमारी हो जाए या हेपेटाइटिस की बीमारी हो जाए, ऐसे बीमारी से जिनकी मृत्यु हो जाती है उस पुतली को दूसरे आदमी में नहीं लगा सकते हैं, या फिर पुतली के दान देने में ज़्यादा टाइम लग गया हो, 12 घंटे हो गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो पुतली की जो एक शक्ति होती उसको सर्वाइव करने की ख़त्म हो जाती है। तो इस कारण से करीब करीब 50% कॉर्निया जो है हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो 1,00,000 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी करने के लिए साल में हमें 2,00,000 कॉर्नियल टिश्यू की ज़रूरत है। तो हमारा मुहिम और आप लोगों का साथ और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे कारण में। पिछले साल जो नेशनल आई बैंक है आरपी सेंटर एम्स में, जिसको भी 50 साल पूरे हो गए हैं देश की सेवा में, हमने 2014 में 1,000 से ज़्यादा पुतली का जो है हमें दान मिला लोगों की तरफ से। करीब करीब 1,300 पेशेंट इस आई बैंक में आए थे, और आपको खुशी होगी कि हमने 1,000 से ज़्यादा ट्रांसप्लांटेशन की इसकी। तो देखेंगे हमारी जो यूटिलाइजेशन रेट थी ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा थी, जो कि दुनिया भर में देखा जाए तो काफ़ी अच्छी इसकी परसेंटेज है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि काम जो है अभी पूरा नहीं हो सकता है, इतने जितने भी हमें दान मिल रहे हैं, हमें करीब करीब 2,000 सर्जरी एक साल में करनी चाहिए इस एम्स के नेत्र विज्ञान केंद्र में, जिससे कि जो है हमारे पास जो मरीज आते हैं जिनको कॉर्निया की बीमारी से छुटकारा मिल सकता है यदि ग्राफ्टिंग करेंगे, तो 2,000 टिश्यू चाहिए, इसलिए हमें करीब करीब 4,000 टिश्यू कलेक्ट करने पड़ेंगे 2,000 सर्जरी के लिए। क्या क्या कारण है जिससे ये पुतली की बीमारी हो जाती है, इसका रोकथाम हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये कैसी बीमारियां हैं जिसको हम उससे छुटकारा पा सकते हैं? आप देखेंगे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसकी रोकथाम हो सकती है। इसका मतलब यह है कि आपकी पुतली सही थी जब पैदा हुए या जब आप जो है बड़े हो रहे थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बीमारी होगी जिससे पुतली खराब हो जाती है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है इन्फेक्शन होना आँख में, और या फिर आपको कोई विटामिन ए की डिफिशेंसी हो जाए, या शरीर में खान पान की कमी हो जाए, या बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाए, तो ऐसे में भी पुतली खराब हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे जो सबसे पीछे वाला कॉलम है, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल होम मेडिसिन, घर में बने हुए कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं जिससे आँख खराब हो जाती है। कुछ चीज़ें हो सकती है उसकी वैल्यू हो, जैसे कुछ लोग शहद आँख में डाल लेते हैं, कुछ लोग गुलाब जल आँख में डाल लेते हैं, कुछ लोग गाय का दूध डाल लेते हैं, इसकी वैल्यू हो सकती है, लेकिन इसकी स्टेरिलिटी या इसका कितना इसमें बैक्टीरिया है कि नहीं, इसका हमें जानकारी नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को यूज़ ना करें तो अच्छा है। आजकल बड़े सारे दवाइयाँ आराम से मिल जाती हैं, और डॉक्टर से पूछ के उन दवाई का यूज़ आपको करना चाहिए। दूसरा, आप देखेंगे हमारे भारत देश में एक विडम्बना है कि बड़े बड़े फेस्टिवल्स साल में होते हैं, इनके साथ अच्छाई के साथ कभी कभी नुकसान भी हमें हो जाता है। दीपावली है जिसमें हम फायर क्रैकर्स या पटाखे जलाते हैं। अभी अभी हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग आ रहे हैं, जहां एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपके अस्पताल में कितने बच्चे दीपावली के टाइम में चोट लगने से आ जाते हैं। हर साल हम देखते हैं करीब करीब 100 बच्चे जो है 3 रातों में हमारे पास आ जाते हैं चोट लग करके, आँख ख़राब हो जाती है चोट लगने से। तो ये बड़ी समस्या है हमारे लिए। इनफैक्ट हम ये चाहते हैं कि जब कोई अभी पटाखे बेचता है कोई दुकानदार, तो उसको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए उन लोगों को जो पटाखे खरीद रहे हैं कि इसको कैसे जलाना चाहिए, कैसे इससे आप बच सकते हैं। उसी तरह से रामायण है, दशहरे की हमारी जो फेस्टिवल होती है उसमें बोन एरो की इंजरी हो जाती है, आँख खराब हो जाती है। और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जो भारत देश में बहुत कॉमन है पान खाना, इसमें जो है चूना लगाते हैं। आजकल चूना जो है कमर्शियली प्लास्टिक पैकेट में मिलता है, उसको एक छोटा छेद करके प्रेस करके निकालना पड़ता है, जब आप उसको दबाते हैं तो चूना एकदम से निकल के आता है। जब बच्चे इसमें खेलते हैं तो उनके आँख में चला जाता है।
ये केमिकल इंजरी है, ये लाइम है, ये पूरी आँख को जला देता है और आप पान का जो इंजॉयमेंट है ख़त्म हो जाता है, ज़िंदगी भर के लिए अंधता आ जाती है। उसी तरह से जो खेतियों में काम करते हैं, हमारे भारत देश में एग्रीकल्चर सबसे कॉमन है, उसमें भी चोट लग सकती है आपको। आप जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं उसमें भी चोट लग सकती है। तो चोट लगना एक मुख्य कारण है पुतली की बीमारी से ग्रस्त होना। कुछ ऐसे बीमारियां जिससे आप जन्म से पैदा होते हैं, जैसे हम हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं, उसमें पुतली में भी हो जाती है, तो उसकी भी हम ऑपरेशन के द्वारा इलाज कर सकते हैं। जैसे ये देखेंगे पूरी कॉर्निया आगे पुतली सफ़ेद हो गई है, तो इसको आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसका रास्ता साफ कर सकते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब लोग दान देंगे। तो ये दान क्या होता है आप जानेंगे, आपको ये आप बहुत से लोग से जानते हैं कि दान कैसे करते हैं। आई डोनेशन तभी करते हैं जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, और ये जो है एक बहुत ही सोशल कॉज है। इसके लिए जो है कोई ऐसा लेन देन की इसमें कोई बात नहीं होती है। इसमें आदमी अपने दिल से या फैमिली अपने दिल से सोसाइटी के लिए यदि करना चाहता है तो आदमी दान देता है। इसमें कोई भी ऐसा धर्म जैसे हम कहते हैं, या कोई भी संस्था या कोई रिलीजन ऐसा नहीं है जो ऑर्गन या आई डोनेशन के लिए मना करें। तो इसमें बड़े सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, आप किसी ग्रंथ को पढ़िए उसमें कभी ये नहीं लिखा है कि दान नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट वो कहते हैं कि दान करना चाहिए। तो हम कैसे आँखों का दान करें? आप देखेंगे आप इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप जो है प्लेटफॉर्म या एक जो आपकी इच्छा होती है किसी दान करने की, तो फॉर्म बनना चाहिए जो आई बैंक में जाता है। आई बैंक में इसको प्रोसेस करके आपको एक आई डोनेशन प्लेज कार्ड मिलता है, जिसको आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। लेकिन ज़रूरी यह है कि जब आप अपना दान देने का प्रण कर लेते हैं तो अपने परिवारजनों को या अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि आपने ये इच्छा जाहिर की है, जिससे कि हमें बाद में फ़ायदा हो। प्लेज करने से दो फायदे हमारे सामने हैं। एक तो जब आपने प्लेज कर लिया है, जब उस आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें हमारे जो काउंसलर्स होते हैं आई डोनेशन काउंसलर्स, उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि फैमिली से बात करने में, उनको मोटिवेट करने में। दूसरा ये है कि इसकी अवेयरनेस पूरे सोसाइटी में फैल जाती है कि आई डोनेशन भी एक अच्छी चीज़ है। कब करना चाहिए? जब किसी की डेथ हो जाती है तो बॉडी के मरने के 6 से 8 घंटे के बीच में यदि आँख के दान दे दिया जाए तो उसकी शक्ति सर्वाइव करने की अच्छी होती है। लेकिन जाड़े का मौसम हो या मॉर्चरी में कंटिन्यूस एयर कंडीशन हो, या बॉडी को आपने जो है बर्फ़ के स्लैब के ऊपर रखा हो और कमरे में टेम्परेचर कम हो, तो 10-12 घंटे तक से आँख ले सकते हैं। जितना जल्दी हो उतना अच्छा इसका रहता है। ये प्रोसेस 30 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है आँख निकालने का। कोई भी आदमी आँखों को डोनेट कर सकता है, कोई एज एक बैरियर नहीं है। एक जो है 100 साल का आदमी भी डोनेट कर सकता है और 1 साल का बच्चा भी डोनेट कर सकता है। केवल उन लोगों के जो एड्स की बीमारी से पीड़ित हों या हेपेटाइटिस से हों, उनकी हम आँखें लेते नहीं हैं या उनको लेने के बाद यूज़ नहीं करते हैं। 2 पद्धति से आँख निकालते हैं। एक तो पहले जो करते थे पूरी आँख निकालते थे पूरे शरीर से, अब जो है आजकल के नए पद्धति में केवल जो आगे की पुतली है वही निकालते हैं। इससे आँख का पूरा शेप मेंटेन रहता है, उसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट लेंस है, एक शेल लगा देते हैं, तो पूरी आँख अच्छी सी लगती है, तो बॉडी में कोई डिसफिगरमेंट नहीं होती है। क्या क्या ऐसी चीज़ें जो आँखों के डोनेशन से रिलेटेड है, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। क्या आँखें की दान जो है जिंदे अवस्था में कर सकते हैं? तो आप देखेंगे कि ये जो है सच नहीं है। आप कोई जिंदा आदमी आँखों को डोनेट नहीं कर सकता, जैसे आप किडनी या लिवर डोनेट कर सकते हैं वैसे आँखों को डोनेट नहीं कर सकते। ये केवल मरने के बाद ही इसको डोनेट कर सकते हैं, वो भी तब जो है आपके परिवारजन इसके लिए सहमति दें। और जैसे मैंने बताया कि आँखों के निकालने से या दान देने से क्या शरीर खराब लगता है, बिल्कुल सच नहीं है। शरीर खराब नहीं लगता या फेस खराब नहीं लगता है, क्योंकि आजकल छोटा सा पार्ट निकालते हैं उसके ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं। ये जो ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई भी उम्र का आदमी दे सकता है। इनफैक्ट आप देखेंगे जो लोग आँखों के किस और बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे रेटिना की बीमारी हो, जिसकी कैटरेक्ट की सर्जरी हुई हो, वो लोग भी हर आदमी आँख डोनेट कर सकता है। जैसे कि आप बहुत से लोग पूछते हैं क्या पूरी आँख का प्रत्यारोपण कर सकते हैं? नहीं, ये केवल आगे की पुतली का प्रत्यारोपण होता है। अभी तक साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है कि पूरी आँख का प्रत्यारोपण हो सके। मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये भी पॉसिबल है, क्योंकि लोग अब जो है पूरा जो है हेड को भी ट्रांसप्लांट करने के लिए लगे हुए हैं। इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं होता, ये आपको जरूर जानना चाहिए कि पैसा इसमें बिल्कुल नहीं होता। एक सोशल कॉज है, एक तरह से चैरिटी का काम है, इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होता है। क्या आपने प्लेस कर रखा हो तो क्या जो डॉक्टरों की टीम है या आई बैंक की टीम है आपकी आँख जबल सी ले सकती है? ऐसा नहीं हो सकता है।
क्योंकि मरने के बाद जो है आपका शरीर जो है आपका नहीं रहता है, आपके परिवारजनों का हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में आपके परिवार को जो है कंसर्न देना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जैसे मैंने पहले कहा था, आपको ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को कि आपने जो है इसके लिए इच्छा जाहिर की है। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लोग पूछते रहते हैं, किसी धर्म में, मुझे पता नहीं किस धर्म में लिखा हुआ है कि आँख में दान दे देंगे तो नेक्स्ट जो दूसरी आपकी जीवन जिंदगी आएगी उसमें आप ब्लाइंड पैदा होंगे। ये हमको पता नहीं है, आपको भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, मुझे लगता नहीं ये सच नहीं है। इनफैक्ट ये हमें दान करना चाहिए। कभी कभी रिलेटिव्स बोलते हैं क्यों कर दिया आपने ऐसा काम, तो ये सोच गलत है। इनफैक्ट हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि आगे आए और आँखों में दान कीजिए। तो मैं कहूँगा आँखों में दान दीजिए, किसी और की ज़िंदगी में रोशनी लाइए। जैसे हम कहते हैं आँखों का दान सबसे बड़ा महादान है, ये मेरे ख्याल से सच है। शरीर का कोई भी अंग दान करे वो महादान होता है। आँखों का दान तो दो लोगों को मिलता है, कभी कभी चार लोगों को भी फायदा हो सकता है। तो हम सभी लोगों को यहाँ प्रण करना चाहिए कि हम अपनी आँखों का दान करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे और हम लोग जो है और ज़्यादा काम करेंगे जिससे कि भारत देश ही नहीं पूरे विश्व को इसका फ़ायदा मिले। हम सब लोगों को मिल करके काम करना चाहिए और मिल के काम करेंगे तो ये पॉसिबल है, आँखों की बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार। वर्ल्ड साइट डे, विश्व नेत्र दिवस के अवसर पर सभी सीनियर्स, बंधुओं और सखियों व बच्चों को प्रणाम। एम्स की हीरक जयंती की शुरुआत हुई है और यहाँ के करंट कॉन्सेप्ट्स या आधुनिक बातों को संक्षिप्त रूप में मैं समझाने की कोशिश करूँगी। जो विषय है वो है कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर और इंजरीज। कैटरैक्ट, इसको कहते हैं हम सफ़ेद मोतिया या सफ़ेद मोतिया बिंद, और ये एक बहुत अच्छी बात है और सोचने की बात है कि हमारे देश के प्राचीन सदियों से जो लोग हैं इतने इंटेलिजेंट थे, उनको पता था कि बुजुर्ग उम्र में धीरे धीरे नज़र जाने के दो तरीके होते हैं, या तो सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया, और इन दोनों में सिर्फ एक फ़र्क है कि सफ़ेद मोतिया बिंद में आँखों में एक सफ़ेदी आ जाती है और काला मोतिया में ऐसे कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती है। पर जो उसके प्रेजेंटेशन के तरीका है वो सेम है कि बुज़ुर्ग उम्र में धीरे धीरे आँख की रोशनी चली जाती है। पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़र्क है दोनों बीमारियों में। सफ़ेद मोतिया का इलाज आसान है और इसको ऑपरेशन करने से पूरी नज़र वापस आ सकती है। काला मोतिया में ये प्रॉब्लम है कि एक बार नज़र चली जाती है तो वापस आना मुश्किल हो जाता है। नेशन बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग मतलब देश का निर्माण, और ये हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि सफ़ेद मोतिया के डायग्नोसिस और इलाज में हमारा देश पूरे दुनिया में किसी के पीछे नहीं है। हमारे पास हर किस्म के आधुनिक माइक्रोसर्जरी यानी कि फेको इमल्सिफिकेशन और फेमटो सेकेंड लेज़र है, और मशीनों की ही बबल बूटी पे सारा इलाज नहीं होता है। हमारे पास सबसे अच्छे सर्जन्स भी हैं इस देश में जो ऑपरेशन अच्छे करते हैं और सिखाते भी हैं। साथ साथ में क्वालिटी, तो पहले ये इलाज बहुत महंगा होता था और मुश्किल होता था कि ये हर कोने कोने तक पहुँचाने के लिए, परंतु नेशन बिल्डिंग के आधार पे हमारे बहुत अच्छे कंपनीज़ हैं जो इंडियन कंपनीज़ हैं, और उन्होंने बहुत मेहनत करके कंपटीशन से जूझ के इंडियन फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स को बनाए हैं जो जिनका इलाज के लिए बहुत हेल्पफुल है, और हम उसके इस्तेमाल से बहुत लोगों को की रोशनी वापस ला सकते हैं। अब मोतियाबिंद जब शुरू होता है तो कोई घबराने की बात है क्या? ऐसा नहीं है। जब सफ़ेद मोतिया शुरू होता है तो सबसे अर्ली स्टेज में उसके नज़र चश्मे से भी हेल्प हो सकती है, जो धुंधलापन है वो चश्मा पहनने से भी करेक्ट हो सकता है। पर अगर वो चश्मे से या जितना मोतियाबिंद में सफ़ेदी आई है, अगर उससे हमारे डेली एक्टिविटीज़ कम्फर्टेबली हम नहीं कर पाते हैं तो हमें ऑपरेशन के लिए ही जाना पड़ता है। ऑपरेशन ही उसका सही इलाज है, मेडिसिन या दवाइयों से नहीं। अब आधुनिक यंत्र की जो बात की है, पुराने ज़माने में जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था एक वेरी ओल्ड फैशन टेक्निक से होता था, जहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं होती थी कि ऑपरेशन के बाद रिजल्ट क्या हो,
इसलिए लोग वेट करते थे कि पूरी नज़र चली जाए तो बाय चांस अगर ऑपरेशन के बाद नज़र वापस नहीं आई तो कोई नुकसान नहीं हुआ। परंतु आजकल के ज़माने में ऑपरेशन के तरीका बहुत इम्प्रूव हुआ है तो हमें ये डर नहीं है कि हम ऑपरेशन कराएं तो नज़र ख़राब हो सकती है। ये बहुत ही कम चांस है कि सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन के बाद नज़र पूरी चली जाए। तो इसका ये कहने का तात्पर्य है कि हम अभी ऑपरेशन ज़्यादा अर्ली ऑफर कर सकते हैं। और ऐसा क्यों? जैसे मैंने समझाया, क्वालिटी ऑफ सर्जरी इम्प्रूव हुई है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द माइक्रोस्कोप्स बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मशीन्स एंड द इंट्राऑक्युलर लेंसेज। तो सेफ्टी हैज़ इम्प्रूव्ड, सो वी कैन गिव कॉन्फिडेंट ऑफर ऑफ सर्जरी फॉर पेशेंट्स डिपेंडिंग ऑन देयर नीड। जिनको बहुत अच्छा प्रिसाइज विजन चाहिए, जैसे अगर 45 ईयर ओल्ड कोई कंप्यूटर इंजीनियर है या कोई पायलट है जिसको बहुत बारीक नज़र की ज़रूरत है, तो उसको हम अर्ली सेफ सर्जरी ऑफर कर सकते हैं। दूसरा है एक्यूरेसी। तो जैसे सर्जरी हम हाथ से करते हैं मशीनों के हेल्प से, कुछ चीज़ें हैं जो आजकल मशीन हमारे हाथ से भी परफेक्ट हो गया है, तो ये एक्यूरेसी भी बढ़ गई है और हम और प्रिसाइज और अच्छी सर्विस दे सकते हैं। वो प्रिसीजन का क्या मतलब है? प्रिसीजन का ये मतलब है कि जब हम, जैसे मैंने पहले कहा, पहले ये था कि ऑपरेशन हो और मोटा चश्मा पहनना पड़ता था। जब इंट्राऑक्युलर लेंस आया तो हम मरीजों को कहते थे कि अब हम आँखों के अंदर लेंस फिट करेंगे तो आपको या तो चश्मा नहीं पहनना पड़ेगा या पतला चश्मा पहनना पड़ेगा या कुछ कुछ काम के लिए चश्मा पहनना पड़ेगा। और अब ये आधुनिक यंत्र और इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से हम ये ऑफर कर सकते हैं स्पेक्टिकल फ्री विजन। स्पेक्टिकल फ्री विजन का मतलब है ऑपरेशन के बाद हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आपको बगैर चश्मे की नज़र देने की कोशिश कर सकते हैं, गारंटी नहीं पर कोशिश कर सकते हैं। और इसके लिए हमें ये प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं और हमारे पास अब प्रीमियम IOLs हैं जिसमें हम दूर और नज़दीक दोनों के नज़र दे सकते हैं मरीजों को। ऑपरेशन के बाद मरीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डॉक्टर का इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, जो दवाई डालते हैं उसका जो ड्रॉपर का टिप है उसको उंगली से नहीं छुएं, क्योंकि हमारे हाथ इधर उधर छूते हैं तो उसमें कीटाणु रह सकते हैं। अगर वो ड्रॉपर के टिप पे रहे तो आँख के अंदर जाएंगे और इन्फेक्शन हो सकता है। कोशिश करें कि आँख के अंदर दवाई ना डालें और जो सॉरी आँख के अंदर पानी नहीं डालें, और जो दवाई डाल रहा है वो नीचे वाली पलक को खींच के मरीज का सर पीछे करके थोड़े ऊपर से दवाई डालें ताकि आँख पे जोर ना पड़े और टाँके ना टूटे, और अगर बगैर टाँके का ऑपरेशन हुआ है तो वो आँख कोलैप्स ना करे। दूसरा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव एरर या दृष्टि दोष। ये होता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिगमेटिज्म और प्रेसबायोपिया। तो जो हमारी आँख है वो एक किस्म का फोकसिंग एपरेटस है। सो जो दुनिया का दृश्य है, यहाँ से जो रोशनी हमारे आँख में आती है वो हमारी आँख उसको फोकस करके रेटिना पे इमेज क्रिएट करता है, और वो इमेज ऑप्टिक नर्व से हमारे ब्रेन तक पहुँच के हमें दिखाई देने का दृश्य दिखाता है। तो अगर इस फोकसिंग एपरेटस में कोई गड़बड़ हो, या तो ये आँख ज़्यादा लंबी हो या कॉर्निया ज़्यादा कर्व्ड हो या लेंस गायब हो या ओपेक हो, तो इससे रिफ्रैक्टिव एरर आ जाता है। और एज से ये जो लेंस की फोकसिंग पावर है ये बदल जाती है, तो हमें नज़दीक के लिए चश्मा पहनना पड़ता है। इसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो दृष्टि दोष बच्चों में भी हो सकता है, और बच्चे कभी कभी बताते नहीं कि क्लास में ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है हमें दिखता नहीं है। तो ज़्यादातर स्कूल्स में ये अच्छा सिस्टम है अगर वो रखे कि एवरी मंथ बच्चों की सीट बदली जाए लास्ट से आगे आगे, तो ऐसे कतार से अगर ये रूटीन बने स्कूल्स में तो अगर बच्चा पीछे बैठे उसको पता लग जाता है कि अभी मुझे ब्लैक बोर्ड नहीं दिख सकता। दूसरा, जैसे डॉक्टर प्रवीण विशेष बाद में बताएंगे, स्कूल स्क्रीनिंग सिस्टम भी हो सकता है ताकि कम उम्र में जिस बच्चों को चश्मे की ज़रूरत है वो जल्दी से जल्दी पता चले और वो चश्मा ठीक से पहने। तो दृष्टि दोष का इलाज है चश्मा। कुछ लोगों के लिए चश्मा अगर सूट नहीं करता है किसी वजह से तो वो कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हैं। और एक और तरीका है ऑपरेशन चश्मा हटाने के लिए, पर बच्चों में हम ये प्रोसीजर्स नहीं एडवाइस करेंगे। बच्चों के लिए चश्मा ही सबसे अच्छा है। इसके कई वजह हैं। एक है वो कॉन्टैक्ट लेंस की संभाल नहीं कर पाएंगे, और दूसरा है उनका जो नंबर है वो बदल रहा है, तो उसे ऑपरेशन करने का कोई सवाल नहीं है।
चश्मे ऊपर उतारने का ऑपरेशन तभी होता है जब नंबर स्थिर है और सेफ है सर्जरी के लिए। प्रेस बायोपिया, जैसे मैंने समझाया, इसका लक्षण है कि कोई बारीक काम, जो सुई में धागा डालना या कोई बारीक प्रिंट पढ़ना, ये मुश्किल हो जाता है। ये ज़्यादातर 40 साल से ऊपर हो जाता है, परंतु ये बहुत ज़रूरी है कि ये कभी कभी काला मोतिया का भी लक्षण हो सकता है अगर नज़दीक का नंबर बहुत जल्दी जल्दी बदले। तो जब भी आप प्रेसबायोपिक करेक्शन या नज़दीक के चश्मा के लिए जाएं, कोशिश करो कि कम से कम नेत्र चिकित्सक डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, सिर्फ ऑप्टिशियन के पास डायरेक्टली ना जाएं। आँखों की सामान्य देखभाल, इसमें हम समझाना चाहेंगे कि आँख को साफ पानी से धोना चाहिए। ज़्यादातर आँख पे पानी के छींटे मारने की ज़रूरत नहीं होती है अनलेस कोई केमिकल या कोई चीज़ गिर जाए, और तब भी कोशिश करनी चाहिए कि पीने के पानी से हम साफ करें, क्योंकि पानी टंकी से आता है और उसमें एकांथमीबा और इत्यादि कीटाणु रहते हैं, और अगर आँख में हम पानी के छींटे मारेंगे तो उससे थोड़ी सी चोट आने से और वो एकांथमीबा आँख में घुसने से बहुत बुरी तरह से इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। और जो आई ड्रॉप बॉटल्स है उसको ध्यान रखें, 1 महीने खोलने के बाद हमें उसको डिस्कार्ड करना है ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो, और वो बगैर लेबल का कोई दवाई हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। चश्मे को साफ रखना चाहिए और उसको स्क्रैच नहीं होने देना चाहिए, पर्टिकुलरली बच्चों में। और लास्ट टॉपिक था आई इंजरीज, जो डॉक्टर टिट्याल ने बहुत अच्छे से कवर किया है। और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, जो बच्चे हैं उनको इतनी समझ नहीं होती है कि किस चीज़ से उन्हें चोट लग सकती है और कुछ नहीं। बहुत छोटे जो बच्चे हैं उनके हाथ में ऐसी कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए जिससे उनकी आँख में चोट लग सकती है। बाकी लोगों को भी सावधान रहने चाहिए, जैसे ये एक केस है, दोनों आईज में ब्लास्ट इंजरी से चोट लगी है, आँख पे भी चोट लगी है, सरफेस डैमेज हो गया है और आँख के अंदर ये टुकड़े चले गए हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम डेली करें, हमें ध्यान रखें कि चोट से बचाएं। और ज़्यादातर किस चीज़ से चोट लगती है, एक तो जैसे पहले बताया गया था चूना, दूसरा होली के रंग, तीसरा तीर कमान, वेल्डिंग, इंडस्ट्रियल इंजरीज, घरेलू नौके लिए चीज़ें, और ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज हैं जो हो सकती है। ये एग्जांपल है जो पेंसिल के टिप से बच्चे की आँख में चोट लगी और पुतली और कॉर्निया कैटरैक्ट दोनों में प्रॉब्लम हुई जिसका इलाज करना पड़ा। लास्टली मैं यहाँ ख़त्म करना चाहती हूँ कि डॉक्टर राजा सभापति ने हमारे यहाँ 21st एम सिल्वर जुबली ओरेशन एक बहुत बढ़िया लेक्चर दिया, और उन्होंने कहा कि द रोल ऑफ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इन नेशन बिल्डिंग। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जो मैं करता हूँ, मैं एक भी मरीज़ को, अगर उसका हाथ टूटा हुआ है, एक मरीज़ का जो टूटा हुआ हाथ को मैं जोड़ देता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये नेशन की सेवा है। और मैं आप सब लोगों से ये बताना चाहूँगी, अगर आप अपनी आँख को बचाए रखें और अपने घर में जो लोग हैं उनको मदद करें अपनी आँख बचाने से, तो हम हमारे देश के रिसोर्सेज को डैमेज नहीं करेंगे और हमारे देश को जल्दी से जल्दी बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए। मैं आपको कुछ अंधेपन और उससे बचाव के बारे में, भारत सरकार की तरफ से क्या कार्यक्रम हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल कि अंधापन होता क्या है। हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं अंधापन मतलब बिल्कुल दिखाई नहीं देना, मगर ये नहीं है। भारत सरकार की तरफ से अंधापन का मतलब जो डेफिनेशन बताई गई है, जो व्यक्ति अगर 6 मीटर की दूरी से उठी हुई उंगलियों को ना काउंट कर पाए, ना बता पाए कितनी उंगलियां हैं, उसको अंधा बोला जाता है। ये भारत सरकार की तरफ से है। आपने काफ़ी लोगों ने अगर आई ओपीडी में गए होंगे तो ये वाला चार्ट देखा होगा। इस चार्ट का मतलब ये कि इसमें इस वाला जो ई है, अगर इस वाले ई के डायरेक्शन ना बता पाए 6 मीटर की दूरी से, तो उस व्यक्ति को हम अंधा बोलते हैं। सबसे नीचे वाली जो लाइनें हैं, एक नॉर्मल आदमी जिसका सही नज़र दिखाई दे रही है, वो सबसे वाली नीचे वाली में किस तरफ डायरेक्शन है ईज की, वो बता सकता है। तो ये एक सिंपल सीधी परिभाषा है अंधेपन की। और इस परिभाषा के हिसाब से हमारे देश में इस समय लगभग 1.2 करोड़, मतलब पूरी जो जनसंख्या है उसका 1% लोग अंधे हैं इस टाइम हमारे देश में, जो कि एक बड़ा नंबर है। अगर हम लोग पूरे संसार के बाकी देशों से कंपेयर करें तो अफ्रीका के बाद हमारा ही देश का नंबर आता है जहाँ पर कि अंधापन काफ़ी ज़्यादा है। हमारा जो नेशनल प्रोग्राम है, जो अंधता निवारण कार्यक्रम है,
वो 1976 में शुरू हुआ था और तब से ही हम लोगों ने एक टारगेट रखा हुआ था कि हमें जो अंधापन है उसका जो प्रतिशत है 0.3% तक लाना है, जो कि 1974 में जो सर्वे हुआ था उसके हिसाब से 1.38% था। काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी, प्रोग्राम अच्छा चलने के बावजूद भी, अब की तारीख में भी हम लोग बोलते हैं कि ये 0.3% तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, अभी भी ये लगभग 1% तक अंधापन हमारे देश में है पूरी पॉपुलेशन। और इसमें भी कुछ ऐसे राज्य हैं हमारे देश में जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका, जहाँ पे अंधापन काफ़ी ज़्यादा पाया गया है। अभी हम लोग पूरे देश में सर्वे कर रहे हैं और अगले 2-3 साल के बाद हम इसके दोबारा से अच्छे आंकड़े निकाल के ला सकते हैं, जो आज सबसे लेटेस्ट आंकड़े होंगे। अंधापन के मुख्य कारण क्या हैं हमारे देश में? अंधापन का जो सबसे मेन कारण है वो सफ़ेद मोतियाबिंद है। तकरीबन 2/3 लोग जो अंधे हैं उनमें से 2/3 लोग सफ़ेद मोतियाबिंद की वजह से अंधे हैं, और इसका इलाज ऑपरेशन है। ऑपरेशन के अलावा मरीज ठीक नहीं हो सकता ऐसे अंधापन। दूसरा जो मुख्य कारण है, लगभग 1/5 20% लोग वो दृष्टि दोष रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से अंधे हैं। तीसरा मुख्य कारण काला मोतिया है, लगभग 6% लोग। इसके अलावा डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये भी एक अंधेपन के रूप में एक मुख्य कारण के रूप में उभर रहा है। जो अंधा है, अंधापन है, वो ज़्यादातर 50% से ज़्यादा की उम्र में पाई जाती है। लगभग 90% लोग 50 साल से ज़्यादा की उम्र में अंधे हैं। महिलाओं में और ग्रामीण इलाकों में अंधता ज़्यादा है, और सबसे दुख की बात यह है कि जितनी हमारे देश में अंधता है उसमें से तकरीबन 80% अंधापन हम लोग इलाज से या चश्मा दे के या ऑपरेशन से ठीक कर सकते हैं। अभी हमारे देश में जो मुख्य जो बीमारियां हैं जिसके अंधापन दूर करने के लिए हमने लक्ष्य रखा हुआ है, उसमें सफ़ेद मोतियाबिंद है, दृष्टि दोष है, काला मोतिया, डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसके बारे में बताया गया अभी, इसके अलावा कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जिसमें डॉक्टर टिटियाल ने इसके बारे में बताया है, और जो एक कारण बच्चों में अंधापन। बच्चों में अंधापन का प्रतिशत तो कम है, पर बच्चे जन्म से लेके और तकरीबन 60-70-80 वर्ष जितनी भी उम्र तक जी रहे हैं अगर तब तक अंधेपन रहता है तो उस रूप में ये एक बड़ा एक कारण बन जाता है, एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसको भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाया गया है। तो ये 6 अलग अलग चीज़ें हैं जिसको भारत सरकार ने इम्पोर्टेंस दी है। जो प्रोग्राम था नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, राष्ट्रीय अंधता उन्मूलन प्रोग्राम कार्यक्रम 1976 में शुरू हुआ था, और यही एक ऐसा प्रोग्राम है मेरे ख्याल से जो देश के सभी जिलों में इस टाइम चल रहा है, और इसको भारत सरकार एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम मानती है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो सबसे खास सुविधाएं हैं उसमें एक है कि जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन, हमारे देश में संसार में सबसे ज़्यादा मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं। अभी अगर पिछले साल का आंकड़े लें तकरीबन 63 लाख ऑपरेशन मोतियाबिंद के हमारे देश में हुए हैं। 63 लाख ऑपरेशन, दुनिया में किसी देश में इतने ऑपरेशन नहीं होते हैं। और इसमें भी जो खास वजह है, भारत सरकार जो एनजीओज हैं और इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन सबको एक इन्वॉल्व कर रही है इस प्रोग्राम में। तकरीबन 2000 से ज़्यादा हॉस्पिटल इसमें इन्वॉल्व हैं और उन सबको तकरीबन 1000 रुपये देते हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन के, और 63 लाख में से लगभग 20 लाख ऑपरेशन सरकार की तरफ से जो पैसे दिए जाते हैं एनजीओज के उसके थ्रू हो रहे हैं। इसके अलावा पिछले 10 साल से भारत सरकार ने जो बाकी बीमारी हैं, चाहे काला मोतिया है, चाहे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, चाहे कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है या और कोई बीमारी है, उसके लिए भी ऐसा ही सिस्टम शुरू किया है कि एनजीओस को और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके उनको पैसे देके मुफ्त में ऑपरेशन लोगों के लिए सुविधा करते हैं। तीसरा जो मुख्य है जो सरकार काम कर रही है, स्कूल के बच्चों में जो मायोपिया जो दृष्टि दोष है वो काफ़ी कॉमन है। तकरीबन 10-15% बच्चों में ये मायोपिया पाया जाता है, और इसमें जो भी बच्चे जिनको कि जो बिलो पावर्टी लाइन है उन सभी बच्चों को भारत सरकार की तरफ से चश्मे बिल्कुल फ्री दिए जाते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम के जो इंचार्ज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने स्कूलों में टीचर्स को ट्रेनिंग करके टीचर बच्चों को स्क्रीन करते हैं और उन बच्चों की जो चश्मे की जाँच होकर उनके फ्री में चश्मे दिए जाते हैं। एक खास कोशिश की जा रही है कि एक ढांचा बना जाए पूरे देश में और शुरू से प्राइमरी लेवल से लेके और सबसे अच्छा एक्सीलेंस ट्रीटमेंट उसका पूरा सपोर्ट सिस्टम बनाया जाए। उसके लिए हर लेवल पर अलग अलग नंबर के हॉस्पिटल या डिस्पेंसरीज या ट्रेनिंग सेंटर मेडिकल कॉलेज सरकार बना रही है,
और इस समय सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी जा रही है वो प्राइमरी लेवल पे, कि हर 50,000 की जनसंख्या पे एक विज़न सेंटर होना चाहिए जिसमें आँखों की सारी प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से जो पिछले 10 साल में शायद आप लोगों ने सुना हो, आशा वर्कर्स जो पहले बिल्कुल नहीं होते थे, इस टाइम हमारे देश में 10 लाख से ज़्यादा आशा वर्कर्स हैं, 10 लाख से ज़्यादा, हर गांव में 1,000 पॉपुलेशन पे और शहर में 2,000 पॉपुलेशन पे जहाँ पे जरूरत है आशा वर्कर्स बनाए हैं। उनको हम लोग आई केयर के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, इससे जो मरीज अंधे हैं या अंधा हो सकते हैं उनको ढूंढ के निकट के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं और उनका इलाज कर सकें। दृष्टि दिवस ये भी एक अवेयरनेस जनरेशन की हम अंधेपन के बारे में आप लोगों को बता सकें, ये हर अक्टूबर में दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। और ये जो पूरा प्रोग्राम है खाली ये नहीं कि हमारे देश में मनाए जा रहे हैं बल्कि पूरा विश्व, जिसमें WHO एक तरफ है जो कि सरकारों को इन्वॉल्व करते हैं और IAPB इंटरनेशनल एजेंसी फॉर प्रिवेंशन ब्लाइंडनेस जो कि सारे NGOs को इन्वॉल्व करते हैं, ये सब मिलकर इस प्रोग्राम को मना रहे हैं कि विजन 2020 राइट टू साइट, दृष्टि एक अधिकार है हम सब लोगों का, ये कोई एहसान नहीं अगर कोई इलाज कर रहे हैं, ये हम सब लोगों का अधिकार है कि हमें दृष्टि देखें। और एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए इसमें ना सिर्फ अंधापन खत्म हो बल्कि लोगों को हर बीमारी के लिए पूरी तरह से, आंखों की हर बीमारी की तरह लिए पूरी तरह से सुविधा मिले, इसकी कोशिश जारी है। हम चाहते हैं कि सन 2020 तक एक टारगेट है कि हमारा पूरा विश्व अंधेपन से पूरी तरह से, कोई अंधा मतलब जो अंधा जितने भी अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस है जिसको रोका जा सकता है वो पूरी तरह से ख़त्म होनी चाहिए, इस चीज़ के ऊपर कोशिश की जा रही है। धन्यवाद। दूसरा, हिंदू धर्म का अंधेपन बढ़ाने में क्या योगदान है? आपके रेटिना बौद्ध धर्म के श्री लंका से आते हैं क्योंकि हमारे पंडित जी कहते हैं कि तू आंख डोनेट करेगा तो अगले जन्म में अंधा होगा। मैं हरियाणा का साइंटिफिक एडवाइजर रहा हूँ, लकड़ी की बहुत कमी है, शव जलाने के लिए मैंने ग्रिड बनाई। पंडित जी ने कहा ग्रिड होती है 1.5 मीटर ऊंची जिससे लकड़ी आधा जलती है, पर ये आगे नहीं होने दी पंडित जी ने, नहीं बॉडी तो जमीन पे रखी जाएगी धरती पे। तो आप बताइए, ये मेरे सवाल है। दूसरा NGO का है, रोज अखबार में आता है कि वो फ्री आई कैंप लगाया तो सब अंधे हो गए, इनकी समस्याओं का समाधान बताइए। चार सवाल है मेरे। I'll answer a little bit, but I'll just tell you about this last part of your questions, that is NGO वाले आई कैंप्स लग रहे थे, ये रीच आउट अप्रोच थी जिसे कैंप्स लगते थे और कई बार the district magistrate and all were not involved and some private organizations would do it just for the sake of doing it without the proper sterilization. Infection ka sir rate badh jata tha kyunki sterilize hoti nahi hoti thi aur instruments bhi sterilize hote the, un pe action liya gaya hai and we are unfortunate to have such camps being run in the country, but sir, roz aata hai akhbar mein sir, very few are there. Usually the most of the eye camps run by good colleges or hospitals have never had a huge number of adopters. There are if 200 cases, one case may develop infection, that also is immediately brought to the hospital aur usko theek kar dete hain. But proper eye camp, the guidelines have been laid down by National Program for Control of Blindness and they have to be followed, in which the district magistrate and everybody, the collector, they are all involved. So district blindness control society is there, the DBCS, so it has a full team. So we have to follow that, sir, but sometimes some private organization may not follow it and hold it in, without the the rules, break the rules. I think there should be a legislation that if you break such a rule, there should be a major punishment for this. Sir, Sri Lanka mein bahut dharm hai, hamara Hindu dharm hai, hamari abadi 120 crore hai, Sri Lanka ki kuch bhi nahi hai, wahan se retina aims mein aate hain donate. कॉर्निया सर, कॉर्निया तो उनके रिलीजन में है कि कॉर्निया डोनेट कर। यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे हिंदू धर्म में पंडित जी कहते हैं कि ना आंख डोनेट की हमारे जन्म में अंधा होगा, उनकी बड़ी होल्ड है, यही तो। हाँ सर, यदि भी वर्ड हुआ सर, या कोई भी अंग दान करने से हम अगले जन्म में बिना उस अंग के पैदा होंगे, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ना गीता में लिखा है ना किसी उपनिषद में लिखा है। अगर किसी ने आपको कहा है वो गलत कहा है या आप गलत समझे हैं, पर हम लोग ये कहते हैं कि सामाजिक जागरूकता की जरूरत है जिसमें आप सबका योगदान हमें चाहिए। आप सब बुजुर्ग हैं और सब अलग अलग जगहों से हैं, आप अपने अपने एरिया में ये फैलाइए, बताइए कि नेत्र दान करने से कोई अगले जन्म में नेत्रहीन पैदा नहीं होगा।
और हमें नेत्रदान करना चाहिए। कहते हैं कि ना जीते जी खून दान करिए और मरने के बाद अपने नेत्रदान कीजिए, ये हम लोग है ना फैलाना चाहते हैं सबके लिए। और आपको जानकारी होगी बहुत सारे धार्मिक नेताओं ने इस पे ना पहल भी करी है, सिरसा के गुरुजी उन्होंने कोशिश करी है कि ना नेत्रदान किया जाए और आपने देखा होगा वहां से बहुत दान होता है। तो ऐसा नहीं है कि ना धर्म में ऐसा लिखा हुआ है कि हमें नेत्रदान नहीं करना चाहिए। सब ऐसा है कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि जिनके माँ बाप की आईसेट वीक होती है उनके बच्चों की आईसेट वीक हो जाती है, वही फैमिली में मैंने कई जगह देखा। दूसरी बात यह है चक्षु व्याम और सर्वांग आसन से कहते हैं कि आईसेट बढ़ जाती है, इसमें क्या फर्क है, सच्चाई क्या है? जो आप कहना चाह रहे थे कि ना जिन माँ बाप के अगर किसी के नेत्र दोष है तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्हें हम जेनेटिक डिजीज बोलते हैं, जो कि है ना अपने वंश अनुगत बीमारियां होती हैं जो माँ बाप के कारण बच्चों में आ सकती है। तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं, ऐसी सब नहीं है, परंतु मैंने देखा क्या है कि हम अपनी फैमिली में देखा है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, जो ब्यूटी उनके माँ बाप के तो उनके बच्चों का आईसेट वीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा होता है, अब जैसे अब चश्मा है, अगर माँ बाप को चश्मा चढ़ा हुआ है, दोनों माँ बाप को चश्मा है, तो बच्चों में 25% ज्यादा चांस है कि उनको चश्मा लगेगा। तो ये सही बात है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है कि है ना ये बीमारियां सारी हम किसी तरीके से रोक नहीं सकते हैं। अगर हमें जानकारी हो तो हम ये कोशिश करें कि जो खास तौर से अंधता करने वाली बीमारियां हैं, जो वंशानुगत हैं, उनको हम रोक सकते हैं अपने रिश्तेदारी में शादी न करके। कॉन्सेंग्विनियस मैरिज जिन्हें बोलते हैं, रिश्तेदारी में शादियां ना हो। तो कई ऐसी बीमारियां जिनसे बच्चे अंधे पैदा होते हैं, जैसे लीबर्स डिजीज बोलते हैं। तो इस तरह की कुछ बीमारियां हम अपने समाज में कुरीतियों को खत्म करके रोक सकते हैं। चक्षु कार्य चक्षु व्यायाम करने से सर्वानासन करने से आईसेट बढ़ती है, इसका सच्चाई क्या है? नहीं, चक्षु व्यायाम करने से आंखों की दृष्टि नहीं बढ़ेगी, परंतु आप ये जरूर समझिए कि ना चक्षु व्यायाम करने से आपको अगर है ना नजदीक देखने में कोई रुकावट है, कोई आपकी मांसपेशियां कमजोर है, तो वो मजबूत हो जाएंगी, तो आपको जो स्ट्रेन पड़ता है आई स्ट्रेन वो नहीं होगा। सर्वांगासन करने से? हाँ जी, सर्वांगासन करने से, सर्वांगासन से है ना आपके सभी अंग अच्छे होते हैं, तो इस तरह से आंखों में भी कुछ फर्क पड़ सकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि कोई है ना दृष्टि दोष हट जाएगा। जी कोई आपका है ना स्पेसिफिक अगर प्रश्न हो जो आंखों से हाँ संबंधित हो तो बताइए। Sir, I just wanted two words from you regarding safety of cat, percentage safety in cat cryptocurrency. How safe it is? Now, Dr. Radhika Tandon ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया है। Safety जो cataract surgery की आजकल है वो you can say it's very very safe. इसमें कोई ऐसी दुविधा वाली बात है नहीं। और ये एक question जो eye cam की बात हुई थी, eye cams जो अभी आजकल जो scenario है नॉर्मली हम हॉस्पिटल में कराते हैं आई कैम, तो उसकी भी सेफ्टी इम्प्रूव कर गई है। जो कैटरेक्ट सर्जरी आज के जमाने में हो रही है बिल्कुल ही सेफ है, तो उसमें आप निश्चिंत रहिए। साहब नमस्ते, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ साहब, ये मोतियाबिंद जी सफेद का ऑपरेशन होना चाहिए या काली का? पहले तो ये पता करना पड़ेगा जी कि कौन सा है। वो सफेद मोतिया बताते हैं ये भी शुरू हुआ है, कई डॉक्टर कहते हैं ये ऑपरेशन करा लो, कई कहते हैं अभी नहीं करो चश्मे से काम चल जाएगा। दृष्टि जो है वो आपके काम के लिए काम लायक है नहीं, अगर है तो फिर उसको आप चश्मा पहनिए और वैसे काम कराइए, अगर चश्मे से ठीक नहीं होता तो ऑपरेशन कराइए। गुड इवनिंग सर, मेरी प्रॉब्लम सर ये है कि 2006 में मेरी लेफ्ट आईज में जैसे फ्लूड आ गया था, जिसका ट्रीटमेंट मैंने यहाँ कराया, पर मेडिसिन वगैरह डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आपका जो फ्लूड है बिल्कुल रेटिना पर है, जिस पर लेजर नहीं हो सकता। तो मैं वैसे वेट करता रहा, उसके बाद वो अपना आप ही हील अप हो गया और बाद में उसमें एक पैच छोड़ गया, जिससे अभी मेरी लेफ्ट आईज में 80% विजन नहीं है। अब लास्ट 2 ईयर से मेरे राइट हैंड साइड में भी यही प्रॉब्लम हुई सेम,
अभी भी स्टिल उसमें ये प्रॉब्लम है, फ्लूड है, मैं यहाँ ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, एंजियोग्राफी भी हुई कहीं। हाँ, नहीं समझ गए डॉक्टर अतुल, आपके प्रश्न का जवाब देंगे। हाँ जी, सो ये जो आपने बताया था पर्दे में पानी आना, ये हो सकता है CSR जैसी आप हिस्ट्री दे रहे हैं, तो आप जरूर आइए, आप चाहे तो मेरे से मिल सकते हैं। पर उसके लिए सर एक चीज प्रॉब्लम है कि ना ये लेजर होता है उसका, और लेजर है उसका, है वो हीट वाला लेजर नहीं होगा जो जला देता है पर्दे को। हाँ, ये कोल्ड लेजर बोलते हैं, वो हीट लेजर से आपका पर्दा खराब हो जाएगा। हाँ, ये कोल्ड लेजर है हमारे पास RP सेंटर में, जिससे आपका पर्दे को कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी मुझे थर्सडे में फिर बुलाया हुआ है, तो वो OCT करते हैं सर, उसके अलावा कोई ऐसा इम्पैक्ट? आप मुझे मिलिए अगले बुधवार। ठीक है, नेक्स्ट बुधवार जो आज थर्सडे है, अगले बुधवार को सुबह आप रूम 22 में आ जाइए। थैंक यू सर, 9:30 बजे। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज रमेश एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम मायोपिया एंड माय नंबर ऑफ स्पेक्स इज अराउंड 13 एंड विल आई गेट रेड ऑफ दिस स्पेक्स इन फ्यूचर? मेरे ख्याल से आपने 13 नंबर बताया ना, 13 बड़ा लकी नंबर है। देखो ऐसा आपका क्वेश्चन बहुत ही सही है इस दिशा में कि ब्लाइंडनेस के हिसाब से 13 नंबर का चश्मा जो है आदमी को ब्लाइंड कर देता है। जैसे आप चश्मा हटा दो तो बिल्कुल ही ब्लाइंड नहीं समझ दो, क्योंकि विजन बहुत कम होती है। आजकल ऐसे ऐसे सर्जरी आ गए हैं कि इसका भी निदान हो सकता है। हम आपके इस लेजर से तो इतना नंबर हटा नहीं सकते हैं, लेकिन आँख के अंदर लेंस लगा सकते हैं जिसे ICL बोलते हैं, उससे आपकी जो है दृष्टि दोष सुधार सकते हैं। लेकिन इसके पहले कुछ जरूरी इन्वेस्टिगेशन होते हैं, यदि सारे पैरामीटर आपके सूटेबल हो तभी सर्जरी करते हैं। उसमें आपका पर्दे का चेक होगा, स्पेस देखेंगे, स्पेस सही है, नंबर स्टेबल है तो सर्जरी करा सकते हैं। तो आप मेरे ख्याल से आप हॉस्पिटल आइए, चेकअप कराइए अपना। नेक्स्ट।